चाइना ने गद्दारी की करी मिसाल फेदा, अपने ही सबसे सच्चे दोस्त को धोखा देने चला चीन। शी जिनपिंग की शातिर निगाहें अब रूस के क्षेत्र पर, खतरा देख रूस ने किया भारत को याद, भारत के आते ही पीछे हटा चीन। जी हाँ दोस्तों, विश्व शांति के ऊपर कलंक बने चीन ने दोस्तों इस बार दोस्ती की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है और गद्दारी की एक मिसाल पैदा करके दुनिया में अपने आप को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आए दिन हर जगह चीन और रूस की दोस्ती के गुणगान गाए जाते हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और चीन और रूस की दोस्ती है, लेकिन दोस्तों और रूस को भी क्या पता कि जिस देश को रूस दोस्त समझकर गले लगा रहा है, वही देश गले लगाते समय उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी क्रस ने अपनी रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों यह खबर आने के बाद जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। दोस्तों इसी महीने चीन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर से अपनी विस्तारवादी नीति को एक अलग लेवल पर ले जाने वाले हैं। और दोस्तों इस बार चीन का शिकार ताइवान और भारत नहीं बल्कि चीन का ही सबसे जिगरी यार रूस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय चीन की निगाहें रूस के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर है, जिसको लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कूटनीति और सैन्य दोनों ओर से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों शी जिनपिंग ये जानते हैं कि यह समय अपने ऐतिहासिक क्षेत्र पर कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका है, इसलिए वह अब कूटनीति के साथ सैन्य तौर पर भी प्लान बना रहे हैं। हालांकि दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब चीन की विस्तारवादी नीति का खुलासा हुआ है। दोस्तों पिछले साल भी जब चीन के एक सोशल मीडिया में चाइनीज आर्मी के पूर्व जनरलों और कमांडरों द्वारा लिखा गया एक पत्र वायरल हो गया था, उसमें भी चीन की इस विस्तारवादी नीति का जिक्र था। दोस्तों इस पत्र में लिखा था कि चाइना ताइवान को 2025 तक कब्जा कर लेगा और उसके बाद चाइना 2035 तक जापान के सैन काकू द्वीप पर भी कब्जा कर लेगा और दोस्तों 2040 तक चीन भारत से भी अरुणाचल प्रदेश के लिए युद्ध करेगा और 2050 तक चाइना अपने ऐतिहासिक चीनी साम्राज्य का एक भाग रहा रूस का सबसे पूर्वी क्षेत्र को भी रूस से वापस ले लेगा। दोस्तों रूस के इस क्षेत्र पर कब्जा करने का पहला कारण यह है कि ताइवान पर इस समय चीन कब्जा नहीं करना चाहता, या यूं कह लीजिए कि ताइवान को अमेरिका की तरफ से एक तरफ से पूरी तरह से सैन्य उपकरण मुहैया कराए गए हैं और साथ ही साथ अमेरिका भी औपचारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी को मानता है और शी जिनपिंग नहीं चाहते कि ताइवान, जिसको वह खुद चीन का भाग मानते हैं, उनके नागरिकों पर सैन्य हथियारों से हमला किया जाए। और दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह है कि मात्र एक छोटे से द्वीप ताइवान के लिए चीन यह कभी नहीं चाहेगा कि उसका आमना सामना सीधा अमेरिका की सेना से हो, जहां अमेरिका ने कानूनी तौर पर ताइवान की सुरक्षा को लेकर ताइवान को वादा कर रखा है। और दोस्तों बात करें भारत की तो दोस्तों चीन और भारत ये दोनों देश जानते हैं कि अगर ये दोनों देश आपस में भिड़े तो बेशक से एक देश खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा देश जो जीतेगा वह भी इस युद्ध में इतना सब कुछ खो देगा कि उसकी अर्थव्यवस्था 50 साल पीछे चली जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर रूस के भी पीछे क्यों पड़ा है चीन। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि वर्तमान में जिस तरह से पश्चिमी देशों में रशिया से अपने आप को बाहर किया जा रहा है और रशिया को पूरी तरह से चाइना के भरोसे छोड़ दिया है, ऐसे में अपनी आर्थिक आवश्यकता, सामानों, निवेश, पैसों, ऊर्जा आदि सभी चीजों के लिए चाइना पर अत्यधिक रूस निर्भर हो गया है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले ही चाइना और रूस ने एक नो लिमिट ट्रीटी करी थी, जिसके तहत वे अपनी दोस्ती को एक अलग लेवल पर लेकर चले गए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह है कि जनवरी फरवरी से चल रहा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण वर्तमान में अब रूस के पास सैन्य हथियार काफी कम हो गए हैं और रूस सैन्य रूप से काफी कमजोर हो गया है। ऐसे में यदि चाइना रूस के सबसे पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो चीन की आर्मी के सामने रूस के सैनिक अपने सीमित हथियारों से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और यही कारण है कि चीन को यह सबसे सही समय दिख रहा है।
दोस्तों दरअसल चाइना रूस के सबसे पूर्वी भाग को चीन के जो पहले साम्राज्य थे उसमें उसका जो पुराना शहर था जिसको हेसेन वाई के नाम से जाना जाता है उसका भाग मानता है। इसलिए चाइना फिर से जो भूमि कभी चीनी साम्राज्य के अंतर्गत आती थी उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का मानना है कि शी जिनपिंग बिना युद्ध लड़े ही इस भूमि को ले सकते हैं। अगर वह पुतिन से सलाह मशवरा करके यह समझौता कर ले और वह खुद पुतिन से यह मांग ले कि उनकी पुरानी भूमि को वापस कर दे। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि चीन ने अपनी जमीन को लेकर सही तो कहा है तो मैं आपको बता दूं कि चीन की यह फितरत रही है कि कैसे न कैसे करके अपने पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा किया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन अपनी सीमा 14 देशों के साथ साझा करता है और ताजुब की बात यह है कि इन 14 में से 10 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। इनमें से आधे से ज्यादा देशों के कुछ क्षेत्रों को चीन अब तक कब्जा कर चुका है, चाहे वे मंगोलिया हो, भारत हो, नेपाल हो या किर्गिस्तान हो। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि चीन और रूस में कभी इस क्षेत्र को लेकर झगड़ा नहीं हुआ या कोई वार नहीं हुई तो आप गलत है। दोस्तों इस क्षेत्र को लेकर पहली तीनों सोवियत युद्ध 1969 में हुआ था और दोस्तों उस समय रूस की सेना ने चीन की सेना को बहुत बुरी तरह से रौंदा था। और दोस्तों मार्च 1969 में जिस तरह देश की सेना ने चीन की सेना को इस क्षेत्र में रौंदा था और इस क्षेत्र से चीन को पीछे धकेला था और दोस्तों आज भी चीन मार्च 1969 की घटना को सोवियत गुस्से का प्रभाव मानता है और चीन पर एक तरह से शोषण मानता है। दोस्तों 1969 से लेकर 2008 तक इस क्षेत्र को लेकर चीन और रूस में तनातनी चलती रहती थी और 2008 में जाकर रूस और चीन ने एक समझौता किया जहां पर दोनों ने यह मान लिया कि दोनों अभी वर्तमान में अपनी उसी औपचारिक सीमा का पालन करेंगे जो पहले से निर्धारित है और चीन ने यह भी मान लिया कि रूस का व्लादिवोस्तोक वाला सबसे पूर्वी क्षेत्र रूस का ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस का इस क्षेत्र पर कब्जा 1960 के दशक में हुआ था, उससे पहले यह चीनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था और आज भी यहाँ पर कुछ चीनी क्रिश्चियन लोग रहते हैं और जो शकल से पहनावे से तो चीनी है लेकिन धार्मिक रूप से क्रिश्चियन है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों रूस कभी भी भारत से अपने रिश्ते बिगड़ने नहीं देता, बेशक बात कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, क्यों रूस के राष्ट्रपति स्पेशल तौर पर भारत को व्लादिवोस्तोक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्यों रूस अपने सबसे पूर्वी क्षेत्र में निवेश करने के लिए ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का हर साल आयोजन करता है और भारत को अधिक से अधिक ऑफर देता है ताकि भारत का इस क्षेत्र में भारी निवेश हो। और दोस्तों यही कारण है कि समय समय पर भारत को यह विश्वास दिलाता रहता है रूस और भारत की दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। दोस्तों हाल ही में आप सब जानते हैं कि कैसे रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक अपनी खबर में जब मैप दिखाया तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्षाई चीन को भारत का अंग दिखाया। दोस्तों बेशक से ये बातें देखने में छोटी लगती है लेकिन यह जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इनका अपना बड़ा महत्व होता है। ऐसी छोटी बातों से एक देश से दूसरे देश को यह संदेश भेजता है कि उनकी दोस्ती कितनी पक्की है और वह किसको अपना सच्चा मित्र मानते हैं। दोस्तों सच तो यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका सच्चा दोस्त कौन है और कौन सिर्फ दोस्त होने का नाटक कर रहा है और चीन रूस का दोस्त होने का नाटक कर रहा है। इसलिए ही रूस कभी भी यह नहीं चाहता कि रूस में भारत की जो तेल और गैस कंपनियां काम कर रही है वह कभी रूस से अपना व्यापार छोड़कर भारत निकले, वरना चीन पर रूस की आत्मनिर्भरता काफी अधिक हो जाएगी और रूस को मजबूरन हर वह काम करना पड़ेगा जो चीन उससे कहेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।